ओके, फ्री फायर में अभी के टाइम बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो गाइस आप लोग अगर CS और BR दोनों में रैंक पुश कर रहे हो तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोगों को कोई भी मैच माइनस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों का अगर माइनस हो रहा है तो इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोगों का एक भी मैच माइनस नहीं होगा। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला कॉम्बिनेशन है वो है गाइस हैकर कॉम्बिनेशन। मतलब इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग कोई भी मैच को इजिली जीत सकते हो बिना कोई टेंशन लेके, और सामने वाला जो भी एनिमी रहेगा ना वो डर जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को सबसे पहले लेना है आयरिस कैरेक्टर को। देखो आयरिस कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है, ये इसका मार्क 15 सेकंड तक बंदे के ऊपर रहेगा और इसका डिस्टेंस 7 मीटर तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 ग्लूअल भी अगर बंदा लगा लेना उसके बाद इसका डैमेज बंदे के ऊपर लगेगा। और इसका कूल डाउन टाइम है गाइस 60 सेकंड। सब कुछ मिला के ये कैरेक्टर ना वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इसका यूज अच्छे से नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोग अच्छे से देख लो इसका यूज आप लोगों को करना कैसे है, किस टाइप के मोमेंट पे आप लोग इसका यूज एकदम अच्छे से कर पाओगे। देखो फ्री फायर में जब भी हम लोग रैंक पुश करने जाते हैं तब कभी ना कभी टाइम हम लोग खुले में जाते हैं, मतलब खाली खाली जगह से हम लोग जोन रोटेट करते हैं, या तो खुले खुले जगह पर हम लोग कुछ ना कुछ लूटने जाते हैं। तो उस टाइम ना कोई भी बंदा अगर हम लोगों को फायर करता है तब हम लोग ग्लू वाली मारते हैं। तो सेम टू सेम चीज गाइस आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो, सामने वाला बंदा एकदम ओपन में लूट रहा था और गाइस मैंने स्पॉट करके बंदे को डैमेज दिया, बंदा फटाक से ग्लू वाल मारा और मैंने ना आयरिस का एबिलिटी ऑन किया। और गाइस आप लोग देख सकते हो ग्लोअल के आर पर कितने खतरनाक तरीके से मैं बंदे को डैमेज दे रहा हूँ और बंदा डैमेज खाते खाते लास्ट में मार ही गया। तो ऐसे करके गाइस इस टाइप की सिचुएशन में आप लोग किसी को भी एकदम इजीली मार सकते हो ये आयरिस कैरेक्टर के मदद से। और गाइस गेम के अंदर ये मेरे को दिखाई दिया, क्या है मेरे को कुछ पता नहीं। अगर आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ। जो भी है गाइस आप लोग इस क्लिप पर भी देख सकते हो आयरिस कैरेक्टर की मदद से कितने खतरनाक तरीके से बंदे को डैमेज दे रहा हूँ, बंदा समझ नहीं पा रहा कहाँ से कहाँ जाए। ऐसे करके गाइस आप लोग कोई भी सिचुएशन में खुले में अगर बंदा मिले उनको बाय इजीली मार पाओगे इस आयरिस कैरेक्टर की मदद से। उसके बाद इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए हम लोगों को लेना है सोनिया कैरेक्टर। गाइस सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी आप लोगों को पता है, भाई साहब अभी के टाइम सोनिया कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सोनिया कैरेक्टर लेके ना खेल रहा हो, BR बोलो CS बोलो, क्योंकि सोनिया कैरेक्टर लेके अगर आप लोग गेम प्ले करते हो CS में या BR में आप लोग अमर बन जाओगे। एक तरह से आप लोग अमर बन जाओगे क्योंकि कोई भी बंदा आप लोगों को एक बार में नहीं मार पाएगा, उसको दो दो बार मारना होगा आप लोगों को। तो इसलिए सोनिया कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है अभी के टाइम। उसके बाद गाइस इस कॉम्बिनेशन को आप लोग अगर CS में खेल रहे हो तो गाइस आप लोगों को दो अलग कैरेक्टर लेना है, अगर आप लोग BR में खेल रहे हो तो गाइस आप लोग अलग कैरेक्टर लेना है। तो मैं BR की बात पहले बोलता हूँ, अगर आप लोग BR में खेल रहे हो इस कॉम्बिनेशन के साथ तो गाइस आप लोगों को लेना है लुकेटा और मीशा कैरेक्टर, क्योंकि लुकेटा कैरेक्टर आप लोगों का हेल्थ बढ़ा देगा जिसके मदद से आप लोग मैच के लास्ट तक एकदम बिंदास होकर किसी के साथ भी फाइट कर पाओगे। और मीशा कैरेक्टर क्या करेगा, BR में आप लोग फुल मैप में एकदम ओपी तरीके से जोन रोटेट करोगे तो गाइस उस टाइम आप लोगों को मीशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाड़ी से, समझ रहे हो। तो इसलिए ये दो कैरेक्टर BR के लिए। और अगर आप लोग CS में खेल रहे हो तो गाइस आप लोगों को लेना है न्यारी कैरेक्टर एंड लूना कैरेक्टर, क्योंकि गाइस ये दो कैरेक्टर CS के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। न्यारी कैरेक्टर का एबिलिटी ये है, कैरेक्टर ना बहुत ही ओपी कर दिया गया है OB41 अपडेट के बाद। देखो इस कैरेक्टर का एबिलिटी ऐसा है कि इसके मदद से अगर आप लोग ग्लोअल मारते हो तो वो ग्लोअल ना कोई नहीं तोड़ सकता, आप खुद भी नहीं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है गाइस, इसके मदद से आप लोग जब ग्लोअल मारोगे तो बंदा आप लोगों के ग्लोअल फोड़ने के लिए ग्लोअल पर गोली चलाएगा, तो वो गोली ग्लोअल पर लगेगा लेकिन गाइस आप लोगों का जो HP है ना वो इंक्रीज होता रहेगा। मतलब सपोज बंदे ने आप लोगों को थोड़ा सा डैमेज दे दिया है, उसके बाद आप लोगों ने ग्लोअल मारा तो गाइस उस टाइम आप लोगों को मेडिकेट मारने की जरूरत नहीं होगा, ये ग्लोअल ही आप लोगों को HP प्रोवाइड करेगा। जब बंदा ग्लोअल को तोड़ने के लिए उस पर गोली चलाएगा तो उस टाइम गाइस आप लोगों का जो हेल्थ है ना वो धीरे धीरे एक एक गोली में 10 HP करके बढ़ेगा, टोटल आप लोगों को 40 HP प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड सिर्फ यही नहीं गाइस, आपके साथ साथ आप लोगों के टीममेट अगर आप लोगों ग्लोअल के कवर में हो उन लोगों को भी 40 HP मिलेगा। तो गाइस ये ना बहुत कमाल का है, आप लोग स्क्वाड खेलो या डुओ खेलो या तो सोलो खेलो, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो चुका है अभी के टाइम। क्योंकि बहुत बार ऐसा सीन होता है कि बंदा हम लोगों को बहुत डैमेज दे देता है, उसके बाद हम लोग ग्लोअल मारते हैं और बंदा छोटा लॉन्च पर यूज करके या तो गन से हम लोगों का ग्लोअल तोड़ के हम लोगों को मारते। तो इसलिए गाइस निहारी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक पुश। एंड लूना कैरेक्टर का एबिलिटी ये है गाइस, लूना कैरेक्टर आप लोगों के गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है जिससे आप लोगों का एक्यूरेसी एंड फायरिंग स्पीड बढ़ जाता है, जिसके मदद से आप लोग सामने वाले एनिमी को बहुत ही आसानी से मार सकते हो। तो
गाइस इसलिए इस कॉम्बिनेशन में लूना कैरेक्टर मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। ओके तो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारे दो नंबर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो कि है गाइस गाइस सोनिया कैरेक्टर के साथ, जिसकी मदद से आप लोग सीएस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से रैंक पुश कर पाओगे। देखो इसके लिए तो आप लोगों को सोनिया कैरेक्टर मस्ट भी लेना है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में, लेकिन गाइस इसके साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर लेना है जो कि आप लोगों को ओपी तरीके से सेल्फ रिवाइव करने में मदद करेगा, जिसका नाम है गाइस डिमित्री कैरेक्टर। क्योंकि डिमित्री कैरेक्टर ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप लोगों को हर एक मोमेंट में इतना आसानी से बचा लेगा, और इसके साथ अगर सोनिया कैरेक्टर मिल जाए भाई क्या ही खतरनाक सीन होने वाला है। आप लोग खुद ही क्लिप पर देख सकते हो, जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो बंदे के साथ मेरा फाइट हो रहा है और गाइस मैं नीचे गया और बंदा मेरे को मार दिया, लेकिन गाइस मैं नहीं मरा, मैं ओपी तरीके से इधर से एकदम साइड में जाके ओपी तरीके से देखो डिमित्री एंड सोनिया कैरेक्टर के मदद से रिवाइव हो गया। सेम टू सेम चीज गाइस आप लोग इधर भी देख सकते हो, मैं ओपी तरीके से बंदे के साथ फाइट कर रहा हूं और गाइस बंदे ने मेरे को मार दिया, पूरा एचपी खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मैं नहीं मरा, मैं सोनिया कैरेक्टर के मदद से साइड में गया और डिमित्री कैरेक्टर का ऑन किया और गाइस फिर से रिवाइव हो गया, और रिवाइव होकर बंदे को क्या ही खतरनाक डैमेज दिया बंदा नॉक, क्योंकि ये बंदा सोच रहा होगा मैं उधर नॉक हो चुका हूं और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गाइस इसको क्या पता मेरे पास डिमित्री और सोनिया कैरेक्टर। इसका और एक फायदा देखो, दूर से अगर आप लोग फाइट करते हो तो गाइस बंदा अगर आप लोगों को पूरा मार देता तो आराम से आप लोग कवर में आ सकते हो 3 सेकंड के अंदर सोनिया कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करके, एंड गाइस उधर आके आप डिमित्री कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन कर दो, बस आप लोग रिवाइव हो जाओगे। दूर में फाइट करने का यही फायदा है गाइस, आप लोग इस क्लिप पर अच्छे से देखो, मैं दूर से बंदे के साथ फाइट कर रहा हूं, मेरे साथ कोई भी टीममेट नहीं है रिवाइव करने के लिए, और गाइस बंदे ने मेरे को क्या ही खतरनाक डैमेज दिया और मैं मर गया, लेकिन गाइस देखो 3 सेकंड है, मैं कवर में आया 3 सेकंड के अंदर, उसके बाद कवर में आके डिमित्री कैरेक्टर को ऑन किया और गाइस खुद से सेल्फ रिवाइव हो गया। तो गाइस ये यूज करके आप लोग बीआर बोलो सीएस बोलो हर एक मैच में इतना खतरनाक तरीके से गेम प्ले कर सकते हो ना क्या ही बताओ। देखो सोनिया कैरेक्टर की मदद से आप लोग और एक तरीके से भी मरने के बाद जिंदा हो सकते हो, वो कैसे? देखो जब ये एनिमी आप लोगों को मार देगा तब मरने के बाद आप लोगों के पास 3 सेकंड का टाइम रहेगा, ठीक है, तो उस 3 सेकंड के अंदर अगर आप लोग सामने वाले एनिमी को मार देते हो या तो फिर कोई भी एनिमी को मार देते हो तो गाइस आप लोग ना मरने के बाद भी जिंदा हो जाओगे, और गाइस सिर्फ यही नहीं, आप लोग जिंदा होने के बाद ना आप लोगों का जो एचपी रहेगा ना वो भी गाइस बहुत ही खतरनाक रहेगा। जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो बंदे के साथ फाइट हो रहा है मेरा, ठीक है, और बंदा मेरे को बहुत सारा डैमेज दे चुका है और गाइस मैं मर भी चुका हूं, लेकिन गाइस 3 सेकंड का टाइम है और गाइस मैंने ओपी तरीके से बंदे को डैमेज दिया और बंदा नॉक और मैं खुद से सेल्फ रिवाइव हो गया। गाइस आप लोग सीएस बोलो बीआर बोलो भाई ये कैरेक्टर ना कितना खतरनाक कैरेक्टर है, आप लोग जब खेलोगे इसके साथ तभी आप लोगों को पता चलेगा। ओके तो गाइस सोनिया और डिमित्री कैरेक्टर के मदद से आप लोग तो सेल्फ रिवाइव हो जाओगे, लेकिन गाइस इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के मदद से आप लोगों को बंदे को भी मारना है, तो इसलिए गाइस इस कॉम्बिनेशन में थर्ड जो कैरेक्टर लेना है वो तो गाइस बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि देखो सीएस में ना आप लोगों को दूर से भी कवर देना पड़ता है, और जब आप लोग दूर से कवर दोगे ना तो गाइस आप लोगों के दिमाग में ये रखना होगा कि कोई भी बंदा आप लोगों को स्पॉट ना कर पाए, क्योंकि अगर आप लोगों को स्पॉट कर लेगा बंदे लोग तो चारों बंदे तीनों बंदे मिलके आप लोगों के ऊपर रश कर देंगे और आप अकेले होंगे और आप लोगों को मार देगा, तो इसलिए गाइस बंदे को अपना पोजीशन ना दिखाने के लिए आप लोगों को लेना है राफेल कैरेक्टर, क्योंकि इस राफेल कैरेक्टर का यही एबिलिटी है अगर आप लोग कोई भी लॉन्ग रेंज मैक्स राफेल गन लेके लॉन्ग रेंज से फाइट करते हो तो गाइस आप लोगों के गन में ना ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाएगा राफेल कैरेक्टर की मदद से, गाइस आप लोग दूर से ओपी तरीके से बंदे को मार पाओगे। और दूसरा एबिलिटी है राफेल कैरेक्टर का ये कि बंदे को अगर आप लोग नॉक कर देते हो एक बार बंदा ना 1-2 सेकंड के अंदर ही मर जाएगा। आप लोग क्लिप पर देख सकते हो मैं दूर से बंदे को मार रहा हूं और गाइस बंदे को थोड़ा से पता नहीं चल रहा मैं कहां से मार रहा हूं और गाइस मैं कितने आसानी से बंदे को डैमेज दे रहा हूं और गाइस मेरे टीममेट को कवर दे रहा हूं, तो और गाइस इस तरह आप लोग देख सकते हो मैंने हर एक बंदे को मार दिया और गाइस ये राउंड हम लोग जीत गए। तो गाइस ऐसे करके अगर आप लोग कवर देते हो दूर से तो गाइस आप लोगों के टीममेट को भी हेल्प मिलेगा एंड आप लोग भी बहुत सारा किल कर पाओगे एकदम सेफ तरीके से। ओके तो गाइस इस कॉम्बिनेशन में जो लास्ट कैरेक्टर आप लोगों को लेना है वो तो गाइस बहुत ही ओपी है। देखो ये कॉम्बिनेशन लेके ना आप लोगों को दूर में ही फाइट वाइट करना है और गाइस एक बार अगर आप लोग सेल्फ रिवाइव हो जाओगे तब आप लोगों को थोड़ा बहुत मेडिकेट मारने की जरूरत होगा, और उस टाइम अगर आप लोग जल्दी जल्दी मेडिकेट लेते हो तो गाइस आप लोगों का हेल्थ जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा एंड गाइस ओपी तरीके से बंदे को आप लोग जल्दी से जल्दी मार पाओगे। तो इसलिए गाइस इस कॉम्बिनेशन में लास्ट में जो आप लोगों को लेना है वो है गाइस मैक्सिम कैरेक्टर, क्योंकि गाइस मैक्सिम कैरेक्टर की मदद से आप लोग बहुत ही जल्दी मेडिकेट मार सकते हो और गाइस अपना हेल्थ पूरा कर सकते हो और फिर से बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर सकते हो। जो भी है गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है, एक बार यूज करके देखना। ओके तो गाइस आज का वीडियो यही था, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस लव यू ऑल।